मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के जल से शिव जी का अभिषेक किया गया। ये मंदिर लालबाग के लेबर कॉलोनी में गणेश मंदिर है, वहाँ पे शिव जी की स्थापना की गई है। इस शिव जी की स्थापना को लेकर आज ताप्ती जल से उनका अभिषेक किया गया। इस अभिषेक और इस कांवड़ यात्रा में पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला शामिल हुए। मनोज तारवाला अपनी पत्नी के साथ यहाँ मौजूद थे। उन्होंने जय बम बोल के नारे लगाए और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये कांवड़ यात्रा उनके निवास पर पहुंची। यहाँ पे पुष्प वर्षा की गई, इसके बाद फिर वो लालबाग रवाना हुई। लालबाग में मंदिर में शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आपको बता दें कि ये जो भाजपा नेता मनोज तारवाला है, ये पूर्व सांसद अमृतलाल तारवाला के भाई हैं और वर्तमान समय में ये बुरहानपुर विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं विधानसभा टिकट के। देखते हैं इनकी ये मनोकामना ताप्ती मैया पूरी करती है कैसे करती है, क्योंकि संभावनाएं और तलाशी काफ़ी संभावनाएं बताई जा रही है कि मनोज तारवाला को टिकट मिल सकती है, क्योंकि उनकी पैठ संगठन में है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक उनके संबंध बने हुए हैं, जिसका उन्हें फल इस विधानसभा चुनाव मिल सकता है। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जो अमावस्या श्रावण का महीना मनाते हैं, पुरुषोत्तम मास अधिक मास के बाद अब श्रावण चालू हुआ, जो अमावस्या मनाते हैं और उसका आज पहला दिन था, इसलिए यहाँ से ले जाकर हमारे मोहल्ले में स्थापित शिव जी की प्रतिमा पर जल अभिषेक करेंगे। आज से प्रारंभ हुआ हमारा, सभी को श्रावण महीने की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। हमारा भक्ति रावण पिता को सोना भेज देता है। गणपति देवता, वरुण देवता, ताप्ती मैया, पूजन महंत परिशे जर को छोड़ दो, ये हो गया अपना संकल्प। आज रावण मैंने लग गया हमारे महाराष्ट्र लोगों का और आज हम पति बता देते इधर इधर चले आना भैया के साथ चले आना। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।